मित्रों नमस्कार। नक्षत्र रहस्य चैनल पर मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में यह जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा कि ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक राशि की एक जाति होती है, तो आप किस राशि के हैं और राशि के अनुसार आपकी जाति क्या हुई। तो यदि आपकी राशि कर्क है, यानी कि जलीय राशि, जो जल तत्व की राशि होती हैं, कर्क है, वृश्चिक है, या आपकी राशि मीन है, ये तीनों राशि जलीय हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर भावना की अधिकता होगी, भावनात्मक राशियां हैं ये। तो आपकी जो राशि है वह ब्राह्मण की है, यानी कि 4, 8, 12 ये राशि ब्राह्मण की हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन ये राशि ब्राह्मण की हैं। अब अगर बात करें क्षत्रिय की राशि कौन सी है, तो ज्योतिष के अनुसार पहली राशि, पांचवी राशि और नवीं राशि, ये तीन राशियां क्षत्रिय की होती हैं। यानी कि यदि आपकी राशि मेष है, या आपकी राशि सिंह है, या आपकी राशि धनु है, तो आप समझ जाइए कि आपकी जो है क्षत्रिय राशि है। आप राशि के अनुसार क्षत्रिय हैं, आप पराक्रमी होंगे, आपके अंदर साहस की बहुत ज़्यादा अधिकता होगी। इसके बाद बात करते हैं वैश्यवान की, कि आप कहीं वैश्य आपकी राशि तो नहीं है। तो यदि आपकी राशि वृषभ है, कन्या है, या आपकी राशि मकर है, यानी कि 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर है, तो समझ जाइए कि राशि के अनुसार आपकी जाति वैश्य है, आप वैश्य जाति के हैं। इसके बाद अंत में बात करेंगे शूद्र राशियों के विषय में। तो यदि आपकी जन्म राशि मिथुन है, तुला है या कुंभ है, यानी कि 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर, अगर ये राशि आपकी हैं, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपकी जो राशि की जाति है वह शूद्र है। यहाँ पर राशि के अनुसार जाति मैंने बताई है, आपकी पर्सनल जाति से इसका किसी भी प्रकार का कोई भी लेना देना नहीं है। अब आगे चल के मैं वीडियो में धीरे धीरे वर्ण की चर्चा करूंगा कि वर्ण भी होते हैं, शूद्र वर्ण के लोग, क्षत्रिय वर्ण के लोग, तो उनकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो यह छोटा सा वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सार्वजनिक प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं यथाशीघ्र रिप्लाई करूँगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलते हैं, नमस्कार।